सबसे पहले मैंने एक पपीता लिया है कच्चा। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पपीते को ग्रेट कर लिया है और इसको थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए मैंने गाजर को भी ग्रेट कर लिया है। अब हम इसको पानी इसका पानी निकाल देंगे। ये देखिए, मैंने पपीते और गाजर का सारा पानी निकाल लिया है। अब मैं इसमें नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर, चिली पाउडर, बेसन 2 टेबलस्पून और ग्रेटेड जिंजर। अगर आप इसमें ग्रेटेड जिंजर डालेंगे तो आपके कोफ्ते बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया भी आप इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इनकी बॉल्स बनाएंगे, कोफ्तों की बॉल्स बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारे कोफ्ते बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे। फ्रेंड्स, अब हम इन कोफ्तों को तल लेंगे और इन्हें मीडियम आंच पर तलना है। अगर आप तेज कर देंगे तो ये ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे हो जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे कोफ्ते तलकर तैयार हो गए हैं। अब हम इसके लिए ग्रेवी बनाएंगे। सबसे पहले इसमें एक बड़ी इलायची, काली मिर्च, लौंग, छोटी इलायची और कटा हुआ प्याज और अदरक डालेंगे। और इसे सुनहरा होने तक तलेंगे। ये देखिए, अब हमारा प्याज भुन गया है। अब इसमें मैं 1/2 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, या आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। इसे 10 सेकंड के लिए भूनेंगे और भूनने के बाद ये मैं टमाटर, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया है वो इसके अंदर डाल दूंगी। और जब तक इसमें से ऑयल अलग नहीं हो जाता तब तक हम इस ग्रेवी को पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा मसाला भून चुका है, उसमें से ऑयल अलग होने लगा है। अब मैं इसमें स्वाद के अनुसार नमक, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर और इसे अच्छे से मिला दूँ। अब इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी भी डाल देंगे। अब इसमें मैं 1 चम्मच दही डालूंगी। दही डालते ही आपको इसको अच्छे से चलाना है, नहीं तो आपका दही फट जाएगा। ये देखिए, दही इसमें अच्छे से मिल गया है और इतना अच्छा हमारा कलर भी आ गया है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। अब इसमें मैं 1 गिलास पानी डालूंगी और इसे 10 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पकाएंगे। ये देखिए, हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं और बहुत अच्छे से ये ग्रेवी में भी मिल गए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं इसको हरा धनिया और थोड़ी सी क्रीम के साथ सजाऊंगी। तो देखिए, लग रहे हैं ना हमारे कोफ्ते कितने स्वादिष्ट
अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर लिखिए। धन्यवाद।